नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है आईफोन 11 और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल डेटा का कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है तो उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जनरल पे जाना है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे जाना है और यहाँ पे पहले से वाईफाई एंड मोबाइल डेटा होता है तो इसमें आपको वाईफाई सेलेक्ट कर देना है, यानी कि बैकग्राउंड में जो ऐप रिफ्रेश होता है उसमें जो डेटा खर्च होता है वो वाईफाई का होना चाहिए, मोबाइल का नहीं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद ऊपर चले जाना है और इसमें मोबाइल डेटा पे चले जाना है। मोबाइल डेटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर चले जाना है। लो डेटा मोड को आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक कर देना है और बैक करने के बाद आपको एक सेटिंग और कर लेनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो iCloud होता है वो बैकअप बनाता रहता है रेगुलरली, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चले जाना है फ़ोटोज ओटोज पे और फ़ोटोज पे जाने के बाद अगर यहाँ पे कीप ओरिजिनल डाउनलोड एंड कीप ओरिजिनल का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्टिमाइज आईफोन स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है कि जो मोबाइल डेटा होता है इस पर आप चेकमा करो और मोबाइल डेटा को आपको बंद कर देना है। मतलब मोबाइल डेटा पे आपका जो फ़ोटोज है उसका बैकअप नहीं बनना चाहिए, जब आपका वाईफाई से कनेक्ट होगा मोबाइल तभी बनेगा। ओके, और अगर आप मोबाइल डेटा पे चाहते ही हो करना कि नहीं मोबाइल डेटा ही आप इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे बैक कर देना है और अगर अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे तो इसको आपको डिजेबल करके रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आई क्लाउड फ़ोटोज़ को ही बंद कर देना है अगर हो सकता है तो, और मान के चलो आप इसको भी बंद नहीं कर सकते, आप चाहते हो कि आई क्लाउड फ़ोटोज़ आपका ज़रूरी है तो वही चीज़ आपको करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया था। तो इस तरह से आप अपने डेटा को बचा सकते हो आईफोन में। तो आई होप गाइज कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।